कुछ लोग काजी मोहतरम के साथ एक लाश को लेकर वजीर आला के पास फरियाद लाए हैं। लाश लेकर हमारे घर में? हुजूर, मैंने अपने खून की एक एक बूंद को पसीने में बहाकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया था, ताकि अपने हाथों से उसे डोली में बिठाकर उसको विदा कर दूं। मगर अब किन हाथों से उसे कब्र में उतारूं? बताइए। क्या मेरी बहन को इसीलिए दुल्हन बनाकर भेजा था शाही महल में? अब इसके खून का इल्जाम किस पे होगा? किस पे होगा वजीरे आला? वजीरे आला, क्या आप यही चाहते हैं कि हर माह सूरज निकलते ही अपनी बेटी के सुर्ख जोड़े को उतार कर उसे अपने आंचल का कफन पहना दे? क्या हर बाप अपनी बेटी के गम में रो रो कर अपनी आंखें खो दे? क्या हर भाई अपनी बहन को मौत की दुआ दे? नहीं नहीं मेरे बुजुर्ग, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। तो फिर रोक दो इस जुर्म की आंधी को। कहीं इन मासूम जिंदगियों की आहें इस सल्तनत की बुनियादों को हिला कर न रख दें। लिल्लाह लिल्लाह काजी साहब, अपनी जुबान मुबारक से ऐसे नामुबारक अल्फाज ना निकालिए। हम बहुत बेबस हैं। ये बेबसी कैसी है वजीर? आज औरत का तकद्दुस एक जाबिर बादशाह के पैरों तले कुचला जा रहा है। उस औरत का तकद्दुस जिसे अल्लाह ताला ने माँ बेटी बहन जैसे रुतबों से नवाजा है। तुम्हें सुल्तान को रोकना होगा वजीर। आप जानते हैं मोहतरम काजी, अगर हमने सुल्तान को रोकने की कोशिश की तो उसका कहर सल्तनत में कोहराम मचा देगा। सुल्तान के कहर से डरते हो? अल्लाह के कहर से नहीं डरते? अगर खुदा का कहर नाजिल हुआ तो रूए जमीन पर कोहराम मच जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ये बेटी आपकी होती तो भी आप इतने बेबस होते? मोहतरम वजीर, आपकी आंखों से छलकते आंसुओं में इस गरीब रियाया की बेबसी और मजबूरियों का जवाब मिल गया। अब तो फरियाद के लिए एक ही दरबार बचा है, खुदा का दरबार। खुदा का दरबार, खुदा का दरबार, खुदा का दरबार। ये लोग सुल्ताने आजम के पागलपन से घबरा कर शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन्हें कोई रोकने वाला नहीं? नहीं शहजादी, जो लोग इन्हें रोक सकते थे उनकी जुबान पर ताले पड़े हुए हैं। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको, कभी माफ नहीं करेगा। इस जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाय, मैं मर गई, मैं लुट गई। शहजादी जी, मेरी दो दो जवान बेटियां सुल्तान के जुनून की नजर हो गई है। अब उस जुनून ने सुल्तान के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। Thank you.
खुदा का कहर नाजिल हो इस पर, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको, कभी माफ नहीं करेगा। इस जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरी दो दो जवान बेटियां सुल्तान के जुनून की नजर हो गई है। क्या बात है जाने बाबा, इस वक्त आप कहां से आ रही हैं? बाबा, मैं अभी अभी शहर से आई हूं। शहर गई थी किस लिए? अपनी आंखों से वो सच्चाई देखने जो काजी मोहतरम बयां कर रहे थे। तो फिर क्या देखा तुमने? बहुत कुछ। रोती पिलकती माए, शिकवार फरियाद लिए चेहरे, और इसके साथ ये भी देखा कि खुदा की बनाई हुई सबसे खूबसूरत मखलूक औरत, जिसका वजूद आपकी सल्तनत में गुनाह माना जाता है, आपका सुल्तान ये समझता है कि औरत एक नागुजीर बुराई है, एक पैदाइशी वसवसा है, एक आरास्ता मुसीबत है। वो ये समझता है कि औरत शैतान के आने का दरवाजा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूं बाबा। कह दीजिए अपने सुल्तान से कि अगर हो सके तो अपने जोरे बाजू से उन किताबों का लिखा मिटा दे, जिसमें ये लिखा है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, क्योंकि माँ वो भी एक औरत ही है। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? तो फिर सुल्तान के फितने को रोकना होगा बाबा। हाकिम वक्त बड़ा जालिम है, वो कत्लेआम बचा देगा, और फिर मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? हश्र में अल्लाह को कैसे मुंह दिखाओगे बाबा, जब हजारों बेगुनाहों के हाथ होंगे और आपका दामन? तो फिर मैं क्या करूं बेटी? कुर्बानी। कुर्बानी, ठीक है, तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। नहीं बाबा, नहीं, आपको आपकी जान से अजीज चीज कुर्बान करनी होगी। हाँ? आपको आपकी बेटी जान से अजीज है ना बाबा? हाँ जाने बाबा, हाँ। तो फिर कुर्बान कर दीजिए मुझे। हाँ? ताकि कयामत के दिन मैं फख्र से कह सकूं कि मेरे बाबा गुनहगार नहीं, जहां वो रियाया की हजारों लड़कियों की जान ना बचा सके, वहां उन्होंने अपनी बेटी की जान भी कुर्बान कर दी। बदनसीब का ये कैसा इम्तिहान ले रही हो तुम? इम्तिहान तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों का भी लिया था बाबा, तो फिर हमारी भी साथी क्या? और फिर हम इतने खुदगर्ज भी क्यों बने कि दूसरों के गमों पर अफसोस तो करते रहें,